बैठिए। अब कैसे हैं आप? जी ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, पिछले एक साल से मैंने जॉब छोड़ रखा है। जॉब छोड़ दिया है मतलब आप क्या कर रहे थे? सर प्राइवेट जॉब में था, पहले मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने गोदरेज वॉइस मुंबई में मैंने जॉब किया 3 साल तक एज ए प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव। मैंने उसके बाद MBA किया फ्रॉम ग्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुड़गांव से इन एनर्जी मैनेजमेंट। उसके बाद फिर मैंने फिर जो है करीब 5-5.5 साल तक मैंने जॉब किया है एज अ मार्केटिंग मैनेजर। तो बहुत सारे मेट्रो सिटी में रहने का आपको मौका मिला होगा? जी सर। क्योंकि इतना अच्छा आपका अतीत है आपका जी, आपने BE किया है जी, उसके बाद आपने MBA किया जी और बहुत अच्छा जॉब आप कर रहे थे, तो फिर इस क्षेत्र में सिविल सेवा के क्षेत्र में आने के लिए कैसे सोचे, क्यों आना चाहते हैं? तो मेरा सर शुरू में सर कुछ था नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मेरे सब उपाय है, लेकिन जैसे जैसे मैंने एजुकेशन मतलब मेरा हाई हुआ MBA किया उसके बाद मैं जब जॉब किया तब मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं मतलब ट्रैक कर सकता हूँ। तब मैंने फिर डिसीजन लिया कि मतलब मुझे प्रोफेशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट है, तो साइंस वाले पास वो अट्रैक्ट किया। तो आपकी प्रथम वरीयता क्या है? सर BPS बिहार पुलिस सर्विस जी। पुलिस सर्विस में अगर आपका सिलेक्शन होता है जी, आपकी पोस्टिंग किस पद पे होगी? DSP के कार्य के बारे में जानते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। आपकी क्या प्राथमिकता होगी जैसे DSP? आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर सोसाइटी में पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपका व्यक्तिगत प्रयास किस तरह का होगा, तो सर डिटेल्स में आप बताइए। सर इसमें जो समाज की जो दिक्कतें हैं उसको समझना है, और जो कानून के जो अंदर में जो भी आएगा, जो भी हमारा काम रहेगा उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो सब लोग करेंगे इस तरह, सारे लोग करते हैं। मैंने कहा कि आप पर्सनली मतलब स्पेशली आप क्या करेंगे कि बाकी लोग हो सकता है नहीं करें, आप करें? स्पेशली जो डाउन ट्रॉडन है, जो गरीब है या फिर जो ऐसे मतलब पिछड़े वर्ग से हैं मतलब इकोनॉमिकली या सोशली, उनको थोड़ा सा मतलब एम्पैथेटिकली मैं उनको अच्छा ठीक है। ये पुलिस सर्विसेज में जो कोई व्यक्ति आता है तो ये बताइए कि पुलिस के क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं पुलिस के? मेनली यही पता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, समाज में जो शांति है उसको बनाए रखने का काम उनका रहता है। पुलिस लगता है कि अभी बिहार में या पूरे भारत में ही पुलिस की छवि काफ़ी बदनाम है, काफ़ी ख़राब जी है जी। और फिर आप उस सेवा में जाना चाहते हैं जहाँ छवि ख़राब है, इससे तो फिर आपके भी छवि ख़राब हो जाएगी, आपका भी नाम ख़राब होगा जी। नहीं मतलब ऐसे बहुत सारे हैं पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने नाम रोशन भी किया है, जैसे अभी अजीत डोभाल जी हैं या किरण बेदी जी हैं या फिर और भी बहुत सारे, जैसे अभी मनु महाराज थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। अच्छा अच्छा जी। अब पुलिस के सामने बहुत सी चुनौती भी अभी है जी, जैसे पुलिस सुधार का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है जी, तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि स्पेशली बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था में सुधार किए जाने चाहिए जिससे ये पुलिस बल हमारा तो पूरा पुलिस सिस्टम स्ट्रांगली एफिशिएंटली काम करे, कुछ उपाय पॉइंट में बताइए। पहला मुद्दा तो सर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस है, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है उसमें, तो एक उसको डील करनी ज़रूरत है। दूसरा जो है करप्शन है, तीसरा इमेज प्रॉब्लम भी है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमी है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैन पावर बहुत कम है, तो ये सर क्या करना होगा? तो सर इसके लिए हमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है हमें उन लोग उनको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने एक जजमेंट दिया था 1996 में प्रकाश सिंह वर्सेस हिमन ऑफ इंडिया का जो केस था,
उसमें उन्हें बताया था कि जो पुलिस का जो है जो डीआईजी है एटलीस्ट जो डीआईजी का पोस्ट है उनको 2 साल का कम से कम जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये बोला था कि सपोज किसी पुलिस के अगेंस्ट कोई ये कंप्लेन आता है तो उसके लिए एक कंप्लेंट अथॉरिटी होना चाहिए। फिर पुलिस के जो प्रमोशन होते हैं या अकाउंटेबिलिटी होता है उसके लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। उन्होंने ये सब गाइडलाइन दी थी तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में अखबार में आया था कि एक कोई सिपाही था है ना या हवलदार था जिसने सुसाइड कर लिया था तो काफ़ी लंबे समय से छुट्टी नहीं मिली थी और उसने अपने सीनियर्स उसके परिवार वाले उनके सीनियर पर आरोप लगाए रहे थे। सपोज कीजिए कि आप डीएसपी बन जाते हैं, इसी तरह का केस कुछ आता है और आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने छुट्टी नहीं दिया या आप एक्सटॉर्ट करते हैं लोगों को, मतलब बहुत स्ट्रेस डालते हैं लोगों पर, या आप पे करप्शन का भी कोई आरोप लगाता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर आरोप लगने के बाद तो मैं अपने जो सीनियर हैं इमीडिएट बॉस हैं उनसे मैं बात करूँगा और उनसे मतलब डिस्कस करूँगा कि मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था। और अगर सपोज छुट्टी ना मिलने के कारण ऐसा कुछ हुआ है तो ये बातें मतलब मैं बताऊँगा कि सर चूँकि मैन पावर बहुत कम है तो इसके लिए जो है लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है, तो इसके लिए कुछ सरकार की तरफ से या फिर जो इमीडिएट बॉस हैं या फिर जो हेड हैं पुलिस के उनसे उनको कुछ दिखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए उनको कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह की भी ज़रूरत है जैसे कि इंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा सा होता है कि वो लोग डिप्रेस रहते हैं डिस्ट्रेस रहते हैं तो उसके लिए भी कुछ एचआर रिलेटेड उन्होंने सोच के रखते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कोई महिला थाने में चली आती है, थाने में केस नहीं ले जाता, वो डीएसपी ऑफिस में जा सकती है, एसपी ऑफिस में जा सकती है और वो आपके पास पहुंचती है एक कंप्लेन लेकर रोते हुए पहुंचती है उसके साथ किसी ने बहुत गलत किया है, बदतमीजी किया है और वो महिला किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रही है, तो उसका अपना जानने वाला पहचानने वाला भी हो सकता है या आपके हो सकता है कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति भी हो सकता है और वो आरोप लगा रही है बहुत ही शिद्दत से इस बात को रख रही है, आपका क्या एक्शन होगा वहाँ पर? सर सबसे पहले मैं लोकल थाने से कांटेक्ट करूँगा कि एक्चुअली क्या बात है। मैं लेडी को भी बोलूँगा कि पहले आप उसके तो FIR दर्ज करवाइए लोकल थाने में और जो वहाँ के जो इंचार्ज होंगे फिर उनसे फिर मैं बात करूँगा पर्सनली कि मतलब क्या इशू था और क्या रीज़न था, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। पुलिस सेवा की हायरार्की के बारे में आप जानते हैं, DGP से लेकर DSP तक का पूरा बताइए तो। सर DSP के बाद ASP, ASP के बाद SP, उसके बाद SSP, उसके बाद DIG, सर फिर IG के ऊपर ADG के ऊपर फिर DGP। अच्छा ये बताइए कि IG का जो कार्य क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? जैसे DSP आपका और मंडल में काम करेंगे जी, सब डिवीजन लेवल पर SDPO कहा जाता है जी, और अगर आप IG के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो IG का जो कार्य क्षेत्र होता है उसका टेक्निकल नाम क्या है? जोन होता है, जोनल IG। ठीक है सर, आपका ऑप्शन पेपर क्या है? पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस को कैसे डिफाइन करें? पॉलिटिकल साइंस इज स्टडी अबाउट पॉलिटिकल थ्योरीज एंड इट्स इंटरप्रिटेशन इन द जनरल डे टू डे लाइफ। पॉलिटिकल साइंस साइंस क्यों बोलते हैं? साइंस साइंस का मतलब है सर कि किसी भी चीज़ को दोबारा एग्जैक्टली उस चीज़ को हम रिपीट कर सकते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा देखा जाता है कि जो चीज़ें होती हैं वो दोबारा अगर सिचुएशन सेम क्रिएट हो तो वैसी होती है। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स ये दोनों सेम है या अलग? अलग। पॉलिटिक्स जो है वो एक्चुअली उसके ऊपर का चीज़ होता है, मतलब स्टडी के बाद का चीज़ होता है, तो एक्चुअली
पॉलिटिकल साइंस से बाहर है पॉलिटिक्स जी नहीं, पॉलिटिकल साइंस जो है एक तरह से ये तो थ्योरी पार्ट हो गया और पॉलिटिक्स को एक प्रैक्टिकल हो गया। पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन कोई एक पर्टिकुलर कोई जो विचारक के व्यू से बताइए, कुछ विचारकों के नाम बताइए राजनीति शास्त्र के पॉलिटिकल मार्क्स मैकियावेली कौटिल्य। कौटिल्य क्यों फेमस है, कौटिल्य का क्या योगदान है राजनीति शास्त्र में? कौटिल्य ने एक बुक लिखा अर्थशास्त्र, वो पूरी बुक जो है बेस्ड है स्टेट क्राफ्ट पे कि कैसे एक स्टेट फंक्शन करता है और उसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके जो जो राजा होते हैं उसका क्या धर्म होता है, उसके बारे में चलते हैं पूरी की पूरी उस स्टेट क्राफ्ट पे लिखा है। पॉलिटिकल साइंस के किस थ्योरी से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? थ्योरी था सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है और डिवाइन राइट्स ऑफ किंग जो है थिंकर मार्क्स जॉन लॉक, जॉन लॉक उन्होंने लिबरलिज्म का ये किया था थ्योरी का प्रपोन किया था उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि मतलब जो है जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है उसको उन्होंने मतलब सीधे से नकार दिया था, और उन्होंने बताया था कि उसकी जगह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होना चाहिए जिसमें लोग जो है लोगों के राइट्स कंजर्व हों और अपने हित के लिए वो खुद का मतलब कोई राजा चुने। पॉलिटिकल साइंस से एक नया सब्जेक्ट निकला उसका क्या नाम बता सकते हैं? पॉलिटिकल साइंस से एक दूसरा सब्जेक्ट निकला बना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस से ही वो बना है दूसरा सब्जेक्ट। वुड्रो विल्सन का नाम जानते हैं? नाम सुना भी। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन रहा होगा आपका सब्जेक्ट जी। तो अभी अफगानिस्तान से अमेरिका के फोर्सेस की वापसी हो चुकी है, इसका भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? सर भारत का मेन मुद्दा है वहाँ का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उसको फिलहाल प्रोटेक्ट करना है। क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया का? इंडिया ने करीब $3 बिलियन के आसपास वहाँ इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे डैम्स में जैसे सलमा डैम हो गया वहाँ का पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए। तो इन्वेस्ट क्यों किया है, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया को जो है फ्री ट्रेड चाह रहा था कि वहाँ पे फ्री ट्रेड हो अफगानिस्तान में। कैसे फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड मीन्स जैसे कि वहाँ पे जो इन्वर्ट जो टैक्स होता है कंट्री में घुसने का तो वो मिनिमम टैक्स वहाँ पे मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स को हो, और अफगानिस्तान के थ्रू जो है सेंट्रल एशिया में जाने का मतलब इंडिया को ये था, तो वो इशू है। और क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर अमेरिका के फोर्सेस के हटने का क्या प्रभाव? फिलहाल तो वहाँ पे तालिबान की सरकार आ जाएगी क्योंकि उन्होंने जो है नेगोशिएट जो है तालिबान फोर्सेस से किया है अमेरिका ने, तो इंडिया को भी अब जो है किसी न किसी तरह उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, तभी जो है इंडिया का जो इंटरेस्ट है इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर प्रोटेक्ट हो सकता है। और अभी पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के रिलेशन में हाल फिलहाल में हाल के दिनों में दो चार दिनों में कुछ टकराव हुआ है कुछ दोनों देशों के बीच में, किस वजह से हुआ है? एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन शायद तालिबान की वजह से ही हुआ उसके एरिया में घुसती है कुछ। पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के राजदूत थे उनके साथ जुड़ी हुई कोई घटना है जी जी अगर आप रिकॉल कर सकते तो कल परसों की घटना है उसकी शैपिंग वगैरह कुछ शुरू है। इंटरनेशनल रिलेशन में और बताइए अभी आप इंडिया का किस कंट्री के साथ आप इंटरनेशनल रिलेशन मान रहे हैं कि सबसे बेहतर है? अगर कंपेयर किया जाए पहले से तो यूएस के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार हुआ है। जो बिडेन के आने से क्या चेंज हुआ है भारत और अमेरिका के संबंधों? चेंज कुछ नहीं हुआ है, चेंज पहले भी हमारे मतलब ट्रंप के टाइम में भी मतलब अच्छे थे, उससे पहले जो बराक ओबामा जो अभी बिडेन की पार्टी के हैं उनसे भी हमारे अच्छे संबंध थे, और जो बिडेन हैं उनसे तो जाहिर सी बात है ओबामा से उनसे भी ट्रंप से तो आप दूसरी पार्टी से हैं ना बिडेन तो उनके आने से जी लेकिन लेकिन उससे पहले जो ओबामा जी थे उनका जो पार्टी था डेमोक्रेटिक पार्टी
उसी पार्टी से अभी बिडिंग है, तो उनसे अच्छे ताल्लुक थे इंडिया के, तो इंडिया के उनसे भी अच्छे ताल्लुक होंगे। तो क्या रशिया जो है इंडिया का सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था, तो अभी क्या आप अमेरिका को इंडिया का सबसे अच्छा मित्र मान रहे हैं? नहीं, ये डिप्लोमेसी है, इंडिया को मतलब हर किसी के साथ में अच्छे टर्म्स रखने हैं। वैसे पाकिस्तान के साथ भी उनका टर्म्स ठीक नहीं था, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने उनके साथ एक संघ अभ्यास भी किया था रशिया और पाकिस्तान के साथ, तो कोई परमानेंट कोई मतलब दुश्मन तो इसमें है नहीं, वो टाइम टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे मित्र राष्ट्र हैं। अभी थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है हम लोग जो है कैपिटलिस्ट की ओर थोड़ा सा मुड़ गए, इसीलिए निरपेक्षता की नीति पे कायम है या उससे हट गया है बाहर आ गया? अभी भी है उसको, अलाइनमेंट अभी भी है इंडिया, अभी भी इंडिया जो है नाटो हो गया या फिर जो रशिया सपोर्टेड जो सैनिक जो है किसी के सपोर्ट में ऐसा नहीं है, वो अभी भी अलग से ही खड़ा है। भाई भारत क्वाड का सक्रिय सदस्य और क्वाड के मिलिट्राइजेशन की बात हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी, क्वाड जो है बेसिकली रशिया का जो OBOR है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है रशिया का, चाइना का, उसको उसका कंटेनमेंट पॉलिसी है, उसको कंटेन करने के लिए जो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US ने मतलब ये किया। अपने बी किया जी, बैचलर इन इंजीनियरिंग जी, बैचलर इन इंजीनियरिंग और बीटेक में क्या अंतर हुआ? जो बीटेक में होते हैं बैचलर इन टेक्नोलॉजी, क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? तो मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं इसको। कुछ कॉलेजेस बीटेक की डिग्री देते हैं जी, जी। आपका कॉलेज बीई का डिग्री दिया जी, कितने लोग BSc इंजीनियरिंग कर देते हैं? BSc इंजीनियरिंग तो फिर अलग है जी, नहीं जैसे कि RPS था पटना में, वो BSc इंजीनियरिंग का डिग्री दिया। डिफरेंस नहीं पता, 4 साल पढ़ा है जी। अपने अपना वीक पॉइंट में लिखा है कि आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं जब आप टाइमलाइन के अंदर अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, शायद आपको प्राइवेट सेक्टर का आदत है जी। हाँ, वो टारगेट का कैसे होगा यहाँ? टारगेट धीरे धीरे, टारगेट तो यहाँ भी है जी, टारगेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस तरह के रिसोर्स हैं। स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करिएगा? उसको डील कर रहा हूँ, उसके धीरे धीरे मैं उसे उबरने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास उस तरह का डेडलाइन नहीं रहेगा, जैसे कि वहाँ पे हर मंथ में जो है डेडलाइन रहता है, यहाँ भी रहता है। डिफरेंट सिचुएशन होंगे, वहाँ पर टारगेट आपका वर्क का होता था, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इलेक्शन वर्क जी, मान लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया जी, तो आपको एग्जाम्पल ही ले रहे हैं कि आप मान लो पुलिस सर्विस में ही हो जी, आपको कहा जाएगा सारे वारंटी को पकड़ लीजिए जी, टारगेट मिल गया जी, कब तक पकड़ना है? इलेक्शन के एक दिन पहले तक, डेडलाइन भी हो गया जी, दोनों चीज़ है। हर जगह ऐसा होगा, कोई भी फेस्टिवल अनाउंस हुआ, दुर्गा पूजा है, आपको कहा जाएगा इतना आप जितने आपके यहाँ वारंटी हैं सबको आप गिरफ्तार कर लो जी, आपका कोई क्राइम हो गया आपको बोला जाएगा इतने टाइम के अंदर सब पकड़ लो। हम ये नहीं करेंगे आप पकड़ोगे कैसे जी, आप लिखे हो कि आप वीक पॉइंट है कि स्ट्रेस्ड हो जाओ, स्ट्रेस को कैसे कम करोगे, क्या पॉलिसी है इसके लिए? ये तो होगा जी, आपका सेकंड चॉइस है BAS, सेम चीज़ वहाँ भी टारगेट है, टाइम है, इस पर क्या आपका प्लान क्या है? क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत होने वाला है जी, करना क्या चाहेंगे? ये वीकनेस है उसको इम्प्रूव करेंगे। आपका अच्छा लगभग कैरियर चल चुका है, आप जॉब कर रहे हैं जी, आपको पता है नेगेटिव पॉइंट। चलिए बात करते हैं आपके इंजीनियरिंग से, छोटा सा इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन बता दीजिए, तो थर्मोडायनेमिक्स का कितना रोल था? थर्मोडायनेमिक्स का मैकेनिकल है ना जी, तो बेसिकली तो थर्मोडायनेमिक्स से ही स्टार्ट लिए होंगे जी? नहीं, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल एक पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी पढ़ी तो ऑटोमोबाइल भी काम करता है। थर्मोडायनेमिक्स 12th में भी था, थर्मोडायनेमिक्स 12th में भी था, वो भी याद नहीं।
अगर बात करें एक सिचुएशन की, आप ही की बातों से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, जो रूल के अंदर होगा उसे हम फॉलो करा लेंगे। अभी कोविड का टाइम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोविड प्रोटोकॉल लागू है, लोग किसी जगह पे धरना प्रदर्शन या जमा नहीं होंगे। अब यही ऐसे बुरी रोड चढ़ा, यहाँ पे लोग जमा हो गए, रूल भी ब्रेक हुआ, एज ए पुलिस या एज ए प्रशासन, अब बीएस में भी रहेंगे तो सेम यही काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वहाँ भी काम है। अब आप कैसे रूल को फॉलो करवा पाइएगा? मान लो कि 500,000 की भीड़ जमा हो गई, क्या कर लेंगे आप? जमा होने के बाद सर वहाँ का जो लोकल थाना है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक, और जो अपने जो इमीडिएट सीनियर हैं उनसे बात करेंगे, और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हम लोग जो है। नहीं नहीं, आप इंस्ट्रक्शन लेने वाले नहीं हैं वहाँ पर जी, आपको इंस्ट्रक्शन देना है। आप जिस पद के लिए जा रहे हैं आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे क्राउड जमा है, अब आप जाके क्राउड को मैनेज करो जी। आपको रूल फॉलो भी कराना है जी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको कोई नहीं देगा जी। आप क्या करना चाहेंगे वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में सर जो लोकल पुलिस है उससे कॉन्टेक्ट करके, वो आपका हैंड है, आपको डायरेक्शन देना है केवल उसको जी। तो उसके पास पुलिस को लेकर के हम लोग जाएंगे वहाँ पे साइट पे, और जो वहाँ के लीडर हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कि मतलब क्या इशू है, और उनसे समझेंगे बात को, फिर उनको बताएंगे कि मतलब चूँकि कोरोना का अभी काल चल रहा है तो इसमें मतलब जो है ये सब जो अभी होता है कि एक साथ इकट्ठा नहीं होना है, और इससे मतलब कोविड का खतरा ज़्यादा पड़ा है, ये सब उनको समझाएंगे। बाकी जो बात होगा उनको हम लोग अश्योर करेंगे कि मतलब आपकी बात को जो है तथाकथित सरकार जो है उसके पास हम लोग पहुँचाएंगे। सिचुएशन ये है, आप कैसे करेंगे इसका? चूँकि यहाँ इंस्ट्रक्शन लेना है नहीं, आपको देना है जी। आगे बताइए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पुलिस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कैसे? हर जगह सर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है, चाहे वो सत्ता में हो या चाहे वो विपक्ष में हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। डेमोक्रेटिक कंट्री के व्यक्ति हैं तो दोनों, डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिक्स तो होगा, लेकिन इंटरफेरेंस तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो इंटरफेरेंस तो बहुत कम चाहिए। और होगा तो आप क्या करेंगे? इंटरफेरेंस होगा जी, तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे सर? रूल बेस्ड लॉ को हम ये करेंगे, ये यही क्वेश्चन है अपने सर, रूल बेस्ड लॉ को कैसे मेंटेन? से आपने कहा कोविड के केस में तो लोग जमा हो गए जी, रूल है कि आपको FIR कर देना है, सबको जेल में डाल देना है, डाल दीजिएगा, कहाँ है रूल बेस्ड इंस्ट्रक्शन आपका? तो डेमोक्रेसी में उनके पास भी राइट्स है एजिटेट करने का, तो उनका भी हक है, लेकिन हमारी हमारे जो ड्यूटी है हमें भी करना है उसमें, और जो भी हमें कानून करता है वहाँ पे हटाने के लिए तो हम लोग वहाँ पे बात ही कर सकते हैं फिलहाल। आपकी पोस्टिंग लास्ट जो BBSC हुआ उसमें हुआ था ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, पता किए क्या है इसका काम? इसका काम मेनली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, जैसे वहाँ पे जो सोशल अपलिफ्टमेंट करना है, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट करना है, इकोनॉमिकली के जो डाउन रिडन है उनके लिए कुछ काम करना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पद किसी वर्ग विशेष के लिए ही केवल काम करना जी, तो ये अगर ऐसा पद है, ऐसा आपका वर्क नेचर ही है, तो आप वहाँ पर जो हम लोग कहते हैं अनेकता में एकता, उसमें आप अनेकता नहीं पैदा कर रहे हैं? कैसे? जब हमारे पास ऑलरेडी वेलफेयर अफसर हैं जी, फिर स्पेशली फॉर माइनॉरिटी? हाँ, स्पेशली क्योंकि सरकार ने देखा कि जो उनकी स्थिति है वो सुधरी नहीं है, बहुत सारे रिपोर्ट आए गवर्नमेंट के, तो उसके बाद मालूम पड़ा कि उनकी स्थिति, उनके जो स्थिति है इनफैक्ट जो SC ST हैं उनसे भी नीचे हैं वो, तो उसके लिए एक अलग से टीम बनाने की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को, और इसीलिए उन्होंने करीब 1991 में जो है ये डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री जो है फॉर्म हुआ है। इसके पहले आप
बताया कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नौकरी किए, अगर ब्लॉक लेवल पर पोस्टिंग होती है शुद्ध रूप से ग्रामीण कैसे सर्वाइव करेंगे? मैं गांव से हूँ, वो मैंने जॉब किया है अभी कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं हूँ तो गांव से हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। गांव से है सर। अच्छा बताइए कि अभी तक जो आपने लाइफ को लिया है उसमें कुछ ऐसा एक दो चीज़ बताइए जिसे ये पता चलता है कुछ आपका अचीवमेंट आपने हासिल किया है, क्या अचीवमेंट हासिल किया अभी तक? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जब सोचा कि मुझे MBA करना है 2011 में, तो मुझे जब MBA करना था तो करीब 17 लाख मुझे चाहिए था MBA करने के लिए, और मैंने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन लास्ट में उन्होंने कुछ मना कर दिया, और मैंने चूँकि 1.5 लाख रुपये कॉलेज के दे दिया था तो मुझे मतलब करना ही था, लेकिन फिर भी मेरे जो दोस्त वगैरह जो है मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, और शायद यही वजह है कि फिर मैं इसके बाद MBA करने के 3 साल के बाद मैंने फिर 3 साल नहीं सही 5 साल के बाद मैंने फिर जॉब भी छोड़ा और प्रिपरेशन कर रहा हूँ सोशल। अच्छा अच्छा, अभी जब खाली समय आपके पास रहता है जी तो कुछ तो करते होंगे आप, कुछ एक्स्ट्रा करते होंगे मतलब पढ़ने लिखने के अलावा? मतलब हॉबी, हॉबी क्या है आपकी हॉबी? प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन जी, प्लांटेशन ही रखना है ना जी। तो प्लांटेशन के बारे में बताइए कि एक होता है बोनसाई, बोनसाई नाम सुना होगा ये सब ना, वो क्या है वो, क्या आपसे उसके बारे में जानते हैं? उसका कभी कभी मैंने प्लांट लगाया है? नहीं लगाया नहीं है सर, देखा है। वो एक्चुअली जापानीज टेक्निक है जो बड़े बड़े पौधे हैं उनको छोटे रूप में मतलब डेवलप करने का तरीका है। तो अभी इस सीजन में अगर प्लांटेशन करना होगा आप कौन कौन सा प्लांट लगाएंगे? प्लांट की बात खुल गई तो जो भी है अमरूद हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, शीशम हो गया, सब तरह के अभी लग सकते हैं जी। पिछले मंथ में या इस महीने में आपने कोई प्लांट लगाया है? नहीं, दो तीन महीने पहले लगाया था। क्या लगाया? आम का लगाया था, फिर शहतूत का लगाया था। आम के कुछ वेराइटीज बताइए। आम के मालदा हो गया, जरदालू आम, केसर, देन आम्रपाली। क्या डिफरेंस है आम्रपाली और ये जरदालू में, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आम्रपाली जनरली वो लाल कलर का उसका स्किन होता है, और जरदालू जो है वो प्लांटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि प्लांट का साइज क्या होता है, उसके आकार क्या होते हैं, कितने समय वो मैच्योर हो जाता है? सर वो डिटेल में कब से प्लांट आप लगा रहे हैं? प्लांट में बचपन से लगा रहा हूँ। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, आप जा सकते हैं।